दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ त्रिकोण आसन योगा। इसको किस प्रकार से करते हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं, सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों पहले तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, इसको किस प्रकार से करना है, उसके बाद में बताएंगे आपको इसके लाभ। दोस्तों सबसे पहले तो हमको दोनों पैरों से गैप बना के इस तरह से खड़े होना है, और अब आपको अगर इधर की ओर झुकना है तो आपको अपना पैर इस प्रकार से इसको टर्न कर लेना है और दोनों हाथों को इस तरह से फैला लें। अब आपको दाहिने ओर झुकना है जिस तरह से आपने पैर को टर्न किया था, और दाहिने हाथ से उसी पंजे के पीछे हाथ रखेंगे इस प्रकार से। ज़मीन में लगा सकते हैं तो ज़मीन में लगा लें, नहीं तो आप पैर को पकड़ सकते हैं। और ये वाला हाथ आपका ऊपर की ओर रहेगा सीधे एकदम, और आपको इस प्रकार से दृष्टि डालनी है अपने उंगलियों पे। इसी अवस्था में कुछ देर रुकें। ऐसा करने से आपके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव उत्पन्न होगा जिससे पैरों में लचीलापन बढ़ता है। दोस्तों उसके बाद में आप दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे, इस पैर को वापस उसी दिशा में लाएंगे और अपने बाएं पैर को फिर से निकालेंगे बाहर की ओर, और बाएं हाथ से अपने बाएं पैर की तरफ झुकेंगे इस तरह से। दोस्तों यह था त्रिकोण आसन। इस योग को करने से पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है जिसके कारण पैरों की ताकत में सुधार होता है। अगर आपके पैरों में जकड़न हो या पैर अकड़ जाता है या झुंझुनी होती है तो आप इस योग को अपना सकते हैं, जिससे यह सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। जब आप साइड की ओर झुकते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी में एक फैलाव उत्पन्न होता है जिससे रीढ़ की हड्डी में सुधार होता है, आपके बैक लचीलापन होता है, जिसके कारण मेरुदंड के सभी रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों इस योग को करने से आपके पेट की अपचयन की समस्या दूर हो जाती है। अगर आप पेट खराब से परेशान हैं तो आप इसे ज़रूर आजमाएं। इस योग को करने से रक्तचाप तनाव को मुक्त करके फेफड़ों की क्षमता में सुधार करता है। दोस्तों जिन लोगों को साइटिका या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो लोग इस योगासन को नहीं करेंगे, या जिन लोगों के पेट में कोई हाल ही में सर्जरी हुई हो तो इस योग से बचें। दोस्तों श्वास क्रम आपको, जब आपको नीचे की ओर झुकना है तब आपको श्वास छोड़ते हुए जाना है, और वापस आते समय आपको श्वास अंदर की ओर भरते हुए आना है। जब आप पूर्ण स्थिति में इस प्रकार से पहुंच जाते हैं तब आपको नॉर्मल सांस लेना है। दोस्तों इसका खास ख्याल रखें, योगासन में श्वास क्रम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसी से आपकी ताकत और क्षमता में सुधार उत्पन्न होता है। दोस्तों लचीलापन अगर आपको बढ़ाना है तो आप इस योग को ज़रूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।